नमस्कार, जय माता लक्ष्मी की। आज का वीडियो एक ऐसा चमत्कारिक वीडियो, हो जाएंगे धनवान, होगी पैसों की बारिश। आज ये वीडियो जानेंगे सभी माताओं बहनों के लिए विशेष जरूरी। अगर आप घर पे किचन के काम संभालती हैं, सभी माताओं बहनों से निवेदन है इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, अंत तक देख लेना। आज की वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कैसे किस्मत चमकाने के लिए रोजाना रोटी का करें छोटा सा उपाय, होगी पैसों की बारिश, बनेंगे करोड़पति, घर की सभी बाधाएं होंगी दूर और बनेंगे आप धनवान। आपको कुछ विशेष उपाय बताऊंगा कि रोटियां बनाते समय कुछ सावधानियां रखनी है, कुछ उपाय करने हैं, कुछ ऐसे अचूक उपाय जिसे करने से आपको धन की कमी कभी भी नहीं हो सकती है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। सारा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल YTTS माइंड को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स पर जय माता लक्ष्मी अवश्य कमेंट कर देना। माता रानी की ऐसी होगी कृपा, होंगे धनवान, आपके घर में होगी पैसों की बारिश, बनेंगे करोड़पति। जाने संपूर्ण जानकारी रोटी से संबंधित। अगर आप किचन में रोटियां बनाती हैं, सभी के लिए जरूरी, जो भी रोटी बनाते हैं सबके लिए जरूरी वीडियो है। आज की वीडियो में जानेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी बनाते समय कुछ नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं आपके कुंडली में लगे राहु केतु और शनि दोष से मुक्ति मिलती है और प्रभु की ऐसी कृपा होती है कि सारे कष्ट दूर होते हैं। चलिए वीडियो करते हैं शुरुआत, जानते हैं क्या है वो खास जानकारी। जय बागेश्वर धाम की, जय बजरंगबली महाराज की। दिन भर भाग दौड़ भरी जीवन और कड़ी मेहनत दो वक्त की रोटी के साथ हर खुशी पाने के लिए करते हैं। रोटी न सिर्फ आपका पेट भरती है बल्कि यह आपकी किस्मत भी चमका सकती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोटी जिंदगी की कई समस्याओं से छुटकारा दिलाने के साथ घर में सुख शांति बनाए रखने में भी मदद करती है। इतना ही नहीं, रोटी संबंधी कुछ उपाय करके राहु केतु और शनि संबंधी दोषों को निजात पा सकते हैं। जानिए रोटी बनाते समय किन चीज़ों का रखना है ध्यान। आजकल के समय पर हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि हर एक काम को आराम से कर सकें। सुबह के समय घर में मौजूद महिला को खुद से लेकर पति बच्चों सहित परिवार के हर सदस्य के लिए रोटियां बनानी पड़ती हैं। ऐसे में कुछ नियमों को भूल जाते हैं जिससे धन के हानि के साथ तरक्की पर भी बुरा असर पड़ता है, लेकिन हमें कुछ सावधानियां रखनी है रोटियां बनाते समय। चलिए जानते हैं। ध्यान दें, पहली रोटी गाय के लिए अवश्य निकालें। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गाय माता में होता है, इसी के कारण गाय को पूजनीय माता कहा जाता है। माना जाता है कि हर दिन एक गाय को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से हर कार्य में सफलता शीघ्र मिलती है और सुख समृद्धि की अचल संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। इसलिए पहली रोटी गाय के लिए ही बनाएं, जिसमें थोड़ा सा गूंथा हुआ आटा और गुड़ या चीनी डालकर खिलाएं। कभी भी घर के सदस्यों को पहली रोटी नहीं खिलानी चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति हद से ज़्यादा भी सीधा हो जाता है और संपूर्ण मनोकामना उसकी पूर्ण होती हैं। दूसरी रोटी भगवान और गुरु के लिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूसरी रोटी भगवान या फिर गुरु के खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है और सुख समृद्धि का सदैव वास होता है। तीसरी रोटी कौवे को लिए बनाएं। एक रोटी कौवे के लिए बनानी चाहिए क्योंकि इन्हें पितरों का रूप माना जाता है। इसलिए नियमित रूप से कौवा को रोटी खिलाने से पितर प्रसन्न होते हैं और उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। रोटी बनाते समय आखिरी रोटी, ध्यान दें, लास्ट वाली रोटी कुत्ते के लिए ही बनानी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से शनि और राहु केतु के दोषों से तुरंत छुटकारा मिलता है। कुंडली में शनि के 7.5 ढया या फिर महादशा है तो आखिरी रोटी में तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दें। अगर काला कुत्ता नहीं है तो किसी दूसरे कुत्ते को भी हम खिला सकते हैं। कुछ ही दिन ऐसा करने से आपके दोष से निजात मिल सकती है और आपको कई सारी बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है और आपके घर में चली आ रही आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल सकते हैं। भारत के कई हिस्सों में रोटी खाने की थाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई घरों में रोजाना रोटी बनाई जाती है, लेकिन वास्तुशास्त्र में आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने तक कई नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। भारत के ही नहीं संपूर्ण देश में इसका प्रचलन चला आ रहा है। चलिए जानते हैं कुछ जानकारियाँ विशेष रूप से, जो हमें कुछ सावधानियाँ और भी करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में हमें कोई भी समस्या ना हो। आटे का प्रयोग, देखिए वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि आटा गूंथने के बाद कभी भी इसे फ्रिज में नहीं रखना चाहिए।
ना ही इस आटे का इस्तेमाल रोटी बनाने में करना चाहिए। बासी आटे का प्रयोग से परिवार में कलह बढ़ती है। बासी रोटी का संबंध राहु से होता है, इसीलिए बासी रोटी खाने से भी बचना चाहिए। इन रोटियों को आप कुत्तों को खिला सकते हैं। जी हाँ, पहली रोटी आपको आवश्यकता है कि सर्वप्रथम हिंदू धर्म में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालने का प्रावधान बताया गया है। चलिए जानते हैं किन वजह से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। रोटी बनाने के बाद बेलन और बेलन को हमेशा साफ रखना चाहिए। अगर आप बेलने को साफ नहीं रखते हैं, अगर आप रोटी बनाने के बाद बेलने ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। साथ ही ऐसा करने से लक्ष्मी माता भी नाराज हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको विशेष ध्यान रखना है इन बातों का कि आप जब भी किचन पर जाएं, सर्वप्रथम नहा धोकर साफ स्वच्छ होकर ही जाएं, और इसके बाद आपको साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कहते हैं कि माता लक्ष्मी सदैव उन्हीं घरों पर वास करती है जिन घरों पर साफ सफाई होती है। तो आपको इन चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको साफ सफाई हमेशा रखनी है, ताकि आने वाली हमारे दिनों में कोई भी समस्या ना हो सके। और दोस्तों, वास्तुशास्त्र में आटा गूंथने से लेकर रोटी बनाने के कई नियम बताए गए हैं, जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन नियमों की अनदेखी करने पर आते हैं, तो हमें कुछ बुरे परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम संपूर्ण नियमानुसार रोटी बनाएं और आने वाली बाधाओं को, संकटों को, कष्टों को दूर करें। आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि धनवान बनने के लिए तवा का प्रयोग आप अवश्य करते हैं। चलिए जानते हैं तवे के बारे में बताए गए कुछ उपायों के बारे में। कुछ नियमों के अनुसार रोटी बनाने के बाद तवे को गंदा नहीं रखना चाहिए। सर्वप्रथम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र में तवे के बारे में बताए गए उपाय से लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा घर पर रहती है। जिसमें पहला उपाय है, रोजाना रोटी बनाने से पहले गर्म तवे पर थोड़ा सा दूध छिड़क दें, फिर इस पर बनी पहली चपाती रोटी गाय को खिलानी चाहिए। ऐसा करने से घर हमेशा धन धान से भरा रहता है। फिर इसके बाद बताया गया है कि रोटी बनाने के बाद तवे को गंदा नहीं रखना चाहिए, हमेशा धोकर रखना चाहिए, नहीं तो फिर यह घर के मुख्य व्यक्ति के स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। खास तौर पर रात के समय बर्तन और तवे न रखें, राहु अशुभ माना जाता है। और रोटी बनाने से पहले गैस पर रखे तवे पर थोड़ा सा नमक और डाल दें, ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। हमेशा गाय को पहले और कुत्ते को बाद में रोटी खिलाएं, ऐसा करने से विपत्तियां टलती हैं और देवताओं की असीम कृपा होती हैं। रोटी बनाने की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई गई है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स पर लिख देना है। जय माता लक्ष्मी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री राम।